विश्व प्रसिद्ध साइट बिड बिलिंग और धर्मशाला में प्रसिद्ध इंद्रुनाग साइट में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 2 महीने पर्यटक इस साहसिक खेल का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, जिस कारण पैराग्लाइडर पायलटों और मालिकों को आजीविका के लिए थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग की 4 साइटों में से एक इंद्रुनाग, बीड़ बिलिंग, नरवाना, बिलिप्टिया जो कि ज्वाला जी में है, वहां पर बरसात के दौरान पर्यटकों और पैराग्लाइडरों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पर्यटन विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर पायलटों की बात करें तो कांगड़ा में करीब 350 पायलटों ने पर्यटन विभाग से उड़ान भरने का लाइसेंस प्राप्त किया है, जो इससे आजीविका कमा रहे हैं। पर्यटन विभाग के निदेशक विनय धीमान ने कहा कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए विभाग ने 2 महीने पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पायलट इन 4 पैराग्लाइडिंग साइटों पर उड़ान भरता पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के निर्णय को नजरअंदाज करने वाले पायलटों से 2000 का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि विदित है, बरसात के सीजन में पैराग्लाइडिंग 2 महीने के लिए बंद होती है। ये एयरोस्पोर्ट्स रूल्स 2004 में भी उसमें भी प्रोविजन था, और जो 2022 में एयरोस्पोर्ट्स रूल्स रीनोटिफाई हुए हैं उसमें भी ये प्रोविजन है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी सभी को देखते हुए ये जो एक्टिविटी है इस पे प्रतिबंध 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगा, और ये प्रतिबंध हमारी जो कांगड़ा में 4 साइट्स हैं पैराग्लाइडिंग साइट्स उसमें सभी पे एप्लीकेबल रहेगा। इंद्रुनाग है, नरवाना है, बीड़ बिलिंग है एंड बिलपटिया ज्वालाजी में है। इन 4 साइट्स पे पैराग्लाइडिंग होती है और बरसात में जो है इन 4 साइट्स पे पैराग्लाइडिंग पे प्रतिबंध रहेगा। अभी फॉर्मल लेटर जो है वो सभी एसोसिएशंस और ऑपरेटर्स को हम यहाँ से भेजने वाले हैं, और अगर कोई इस दौरान वायलेशन करता है तो हमारा जो HPTDR एक्ट है, जो इस सभी एक्टिविटीज उसके अंडर जो है वो कवर होती हैं, तो उसके तहत जो है वो कार्रवाई बनती है उसमें, और उसमें जो 10,000 रुपये तक का जो है वो वन टाइम फाइन का प्रोविजन है अभी, और उसमें इवन पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट तक भी जो है उसमें मेंशन्ड है, और अगर कंटिन्यूड वायलेशन होती है तो 200 से 2,000 रुपया जो है वो पर डे के हिसाब से ये जुर्माने का प्रावधान है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।